अंदर आ जाओ प्लीज। ओ रुक जा चाचा, सुनिए नर्सिंग होम उस तरफ है। हाँ। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे इस क्लब में ही जाना। अरे दादाजी समझ नहीं आ रहा क्या, यहाँ सीनियर सिटीजंस अलाउड नहीं है। देख बुढ़ो मेरी बात सुन, ये टॉप क्लास नाइट क्लब है, तेरे जैसों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर पैसों की बात है तो मेरे पास बहुत है। तो क्या अपनी सारी पेंशन उठा कर लाओ क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो दफा हो जाओ। ऐसा है तो जरा अपने मैनेजर को बुलाओगे? डैन एक काम करता, इस बार बुड्ढे को अंदर जाने देता, उसके पास काफी पैसा है। तू पागल हो गया क्या? ये बुड्ढा इस क्लब के रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है, और अगर ये बॉस को पता चल गया तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। एक आइडिया है, सिर्फ वो लोग अंदर जा सकते हैं जिनका टेबल रिजर्व्ड है, ठीक है? क्या? जिनका टेबल रिजर्व्ड है। रिजर्वेशन 1 2 हो गया, तुम्हारी वेबसाइट पर टेबल बुक हो गई। थैंक यू। रुको रुको रुको, ए कैसी हो बेब? डैन बेन क्या हो रहा है, आज इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? कुछ नहीं बॉस, एक जिद्दी बुड्ढा बस तमाशा कर रहा था। ओह माय गॉड, एक और नमूना। सर हमने उसे अंदर जाने दिया लेकिन क्या कहा? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? उसे यहाँ से दफा करो चुपके से। जैसा आप कहें बॉस। कम ऑन बेब। अब मेरी बात सुनो, हम दोनों मिलके डांस करने से क्यों रोक रहे? मैंने रोका थोड़ी है, मैं तो सिक्योर कर रहा हूं ताकि तुम गिर के घायल ना हो जाओ। थैंक्स, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पलंग पर ही ठीक रहोगे, वो भी कंबल के नीचे, घर परिवार की देखरेख में। यहाँ तुम्हें खतरा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो, अब घर चले जा। यहाँ रिलैक्स करने आया था और मैं वही करके जाऊंगा। क्या लेंगे आप? मेरे लिए एक लाइट ड्रिंक बनाइए प्लीज, मैं थोड़ी देर में लौट के आता हूं। बिल्कुल सर। हे क्रिस, उसके ड्रिंक में कुछ मिला दो, बुड्ढा नशे में बेकाबू हो जाना चाहिए। बेन उसे बाहर निकालने का मौका ढूंढ रहा है। डैन लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? दारू की बोतलें चोरी करके घर ले जाना भी खतरनाक है, पर तुम डरो मत अब तक के लिए। तो मेरा कहा मानो और बुड्ढे को यहाँ से भगाओ। अच्छा ठीक है, तो मैं उसे एक भारी वाला डोज देता हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। हाँ क्या हुआ, तुमने उस बुड्ढे को अब तक बाहर निकाला कि नहीं? वही कोशिश जारी है बॉस। क्या कोशिश का क्या मतलब है? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है उसे बाहर निकालने के लिए, समझ गए? ग्रेट। अपनी जेब ढीली करो, जल्दी निकलो यहां से। तो यहां हो तुम? ओहो बॉस, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस इधर थोड़ा टाइम पास कर रहा था और कुछ। अच्छा सुन, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। वो देख वहां बाहर के पास एक बुड्ढा खड़ा है, तू वहां जा और उस बुड्ढे से पंगा ले, फिर मैं वहां आकर उस बुड्ढे को यहां से बाहर निकाल दूंगा। अगर
मैं इस काम के लिए हाँ भी कहता हूँ तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तो मैं कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा और मैं तुझे पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगा। और अगले हफ्ते भी मैं कुछ नहीं देखूंगा। डील? क्या ये पीने के लायक है? मैंने लाइट ड्रिंक मांगी थी। लेकिन सर, हमारे क्लब में यही सबसे लाइट ड्रिंक है और इसे बनाने में मैं माहिर हूँ। ये थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत अच्छी भी है। एंजॉय। अच्छा, अबे ओ ध्यान से, दिखता नहीं है क्या बूढ़े? एक बात बताओ, यहाँ क्यों बैठे हो? सॉरी, उठ जाओ यहाँ से, ये मेरी सीट है। सॉरी, पता नहीं था ये आपकी सीट है। तो अब जान गए ना, बुढ़ापे ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ये वाली सीट भी मेरी है। तो फिर मैं कहाँ बैठ सकता हूँ? यहाँ की हर सीट मेरी है। इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। तुमसे झगड़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही, तो मैं अपनी ड्रिंक लेकर यहां से जाता हूं। ये क्या कर रहे हो? ये ड्रिंक भी मेरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने इसे मारा? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैंने इसे छुआ तक नहीं। अभी के अभी यहाँ से निकलो। ये बिल्कुल झूठ है। कहो, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस बुड्ढे को बाहर निकालो। हर काम मुझे ही क्यों करना पड़ता है? डैड। बेटे, किस बुड्ढे की बात कर रहे थे तुम? जिस बुड्ढे के पैसे लगे हैं इस नाइट क्लब को चलाने में? नहीं सॉरी डैड, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इस क्लब की सिक्योरिटी निहायत ही बदतमीज है। बारटेंडर चोर है और मैनेजर बददिमाग है। ओके ओके ओके, तो आइए ऑफिस में चलते हैं और मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। समझा सकोगे? जी हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया था, कहने के तुम पर गर्व है, और तुमने आधी से ज्यादा शाम एक बूढ़े कस्टमर को क्लब से निकालने में लगा दी। नहीं मैं, और वो भी पैसे वाला कस्टमर। तुम में बिल्कुल भी बिजनेस सेंस नहीं है, इसलिए तुम अब भी मुझसे पैसे लेते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब भी सीख सकते हो। लेकिन अगर तुम बुजुर्गों की इज्जत नहीं करोगे तो यहाँ तुम्हें कुछ भी सिखाना बहुत ही मुश्किल होगा। पर मैं कोशिश करूंगा। शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कल सुबह अपनी पूरी टीम को तैयार रखना, सही काम का सही तरीका सीखने के लिए। डैड, अब तो मेरे लिए एक अच्छा सा कॉकटेल बनाओगे? यस सर। मुझे स्ट्रेस फ्री हो रहा है।